दिलों में हजारों ख्वाहिशें भरी है। सबको कम से कम जिंदगी में एक मरतबा ये हज की सादत अल्लाह ताला नसीब करे इंशाल्लाह। जनाब तारीम सबको नसीब फरमाए, इलाहे आमीन, बार बार नसीब फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको वहाँ जाना नसीब फरमाए इंशाल्लाह। ये दुआ आप मेरे हक में भी कीजिए। निगाहों के पीछे हसरतें कई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस नशरियात के आगाज में कि अल्लाह तेरा घर हमारी आमद की वजह से रौनकों का मोहताज नहीं है, लेकिन हम मोहताज हैं कि हम यहाँ जाएं, हम यहाँ सरबत सजूद हों और अपनी दुनिया व आखिरत सवार सके। आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ नशरियात देखी जा रही है, सब दस्ते दुआ बुलंद करके दुआ करें कि अल्लाह हमें बार 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 खाने खुदा की, अपने घर की और अपने हबीब के रोजे की ज्यारत नसीब फरमाए इंशाल्लाह। दिलों में हजारों ख्वाहिशें भरी हैं, जिसके दिल में हाजत है अल्लाह ताला उन सब का शुमार भी अगले साल इन लोगों में करे इंशाल्लाह। बल्कि आज से 15 दिन पहले ये इरादा ही नहीं था, कहीं पीछे चल रहा था कि हो जाता हज तो कितना अच्छा होता, और रास्ता इस तरह बन गया। बस अचानक मैं एक दिन एयरवे में आया था, पार्किंग लॉट में मुझे अशरफी साहब मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने हज का कोई सिलसिला कोई सोचा है? उन्होंने देर कर दी, मैंने बड़ी सुस्ती कर दी, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप कोशिश करें, आप क्यों नहीं कोशिश करते? क्योंकि मेरी इतवार को दोपहर 12 बजे की फ़्लाइट थी और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था हफ्ते के रोज़ तक कि मैंने जाना या नहीं जाना, इसलिए कि वीज़ा नहीं आया था। रोज़ सबजवारी साहब सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे ईद के प्रोग्राम की, कहा बैरोज भाई से बाकायदा कि बैरोज भाई दुआ करें, कल की फ़्लाइट है लेकिन वीज़ा नहीं आया है। कहा अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, बस नियत साफ है, अल्लाह ताला खैर करेगा। खत्म करके जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो पहला मैसेज आया हुआ था कि भाई आपका वीज़ा आ गया, और बस यहाँ आने की सूरत खुश नसीबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हज के अल्हम्दुलिल्लाह मनासिक अदा हो गए हैं, हमारे बाकी पैगाम भेजे, सबका बहुत 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 शुक्रिया।